कि तुम दुनिया में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, फिर भी लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं। और 5 साल बाद आधी जनसंख्या इस देश की पागल होगी। एक आदमी ने कहा था कि मैं खुदा हूँ, बाहर कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं, कि तुम एक चाटा मारो 500-600 चाटा मार दिए। कहा तुमने एक लड़की को अपने कंधे पर बिठाया है, गलत के साथ सारी दुनिया खड़ी है। ये इस दुनिया का नेचर है। मरा हुआ दिमाग के लोगों का कोई दुश्मन नहीं होता। तुम कभी कभी बड़ा गौर करोगे कि तुम दुनिया में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, फिर भी लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा बहुत सबके साथ होता है। जीसस क्राइस्ट ने किसी का क्या बिगाड़ा? उसको क्रूसीफाई कर दिया। तुम सोच के देखो इस दुनिया का नेचर, तुम बस सोच के देखो इस दुनिया का नेचर। जीसस क्राइस्ट क्या बिगाड़ा इन्होंने किसी का? सिर्फ बेचारे इतना तो कह रहे हैं कि मैं भगवान का बेटा हूं, इतने में तुमको प्रॉब्लम हो रही है। अरे कहने दो भैया, मंसूर बिन हलाज, ये बेचारा कह रहा था अनहलक। तुम इसको पागल भी तो मान सकते थे। आज पढ़ना मंसूर बिन हलज के बारे में, इसी की हत्या का पश्चाताप आज मुसलमान कर रहे हैं। चलो मान लो कह दिया मैं अल्लाह हूं, इसी पे मार डालोगे और मारोगे नहीं काटोगे। महावीर को मारा, कुत्ते छोड़ दिए उनके पीछे। पत्थर मारा। ये दुनिया है ये। और यही दुनिया चंगेज खान की पूजा करती है। यही दुनिया कृष्ण से दूर रहती है। मैं जब हिस्ट्री पढ़ा और मैंने ये चीज देखी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाया कि चंगेज खान के सामने खड़ा हो जाए। ये हिसाब किताब है इस दुनिया का। और शिशुपाल ने गाली दी, उड़ा दिया तुरंत। ये बेचारे संत महात्मा औलिया फकीर सूफी लोग, ये इस दुनिया का नेचर है। ये ताकतवर को सामने जाके लेट जाती है, अरे साहब। और भारत जैसे देश में, खासकर उत्तर भारत में, यूपी में, बिहार में, कभी कभी मैं सोचूं कि इन क्षेत्रों में भगवान हथियार लेके क्यों चला? कोई बताओ, ब्रह्मा का मंदिर यूपी और बिहार में बड़ा फेमस मंदिर, विष्णु जी का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है, और दोनों लोग हथियार लेके चलते हैं। नेचर आदमी का, बिहेवियर, कब बदतमीजी कर दे? चाहिए इसको सब कुछ, सब चाहिए। काश तुम एक बात समझ जाओ बस, तो समझ लो मेरा पढ़ाना सफल हो जाए कि तुम्हारे पास एक बहुत जादुई चीज है। इतनी जादुई, इतनी कि अगर तुम उसको यूज करना जान जाओ तो तुमको भगवान बना दे। इसलिए मैंने खुदा नहीं कहा, क्योंकि मुसलमान मानते हैं कि खुदा खुदा है, कोई खुदा बन नहीं सकता। लेकिन हिंदू मानते हैं कि कोई भी भगवान बन सकता है। इसलिए मैंने खुदा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मुसलमान कहते हैं कि कोई खुदा नहीं बन सकता। सही कहते होंगे। एक आदमी ने कहा था कि मैं खुदा हूं, उसको काट डाले लोग। मंसूर बिन हलाज,
सीरिया में एक बड़ा फेमस सूफी था, तो कभी कभी वो जब ध्यान में आता था तो खड़े होकर नाचता था रामकृष्ण परमहंस की तरह। तो जब नाचे तो कहे अनहलक, मतलब मैं अल्लाह हूं। ये पहुंच गया मौलाना, ये बहुत बदतमीज है, ये लगा लेता है और फिर कहता अनहलक। तो खलीफा ने बुलाया, राजा पढ़ा लिखा समझदार तो होता है, तो उसने समझाया कि गुरुजी काहे ऐसा कर रहे, तुम कमरा बंद करके नाच लिया करो यार। तो जिस वक्त खलीफा समझा रहा था दरबार में, उसी वक्त वो बंदा ध्यान में आ गया, समाधि लग गई, लगा नाचने अनहलक खलीफा के सामने। मौलाना का देखा, देखा, देखो देखो देखो, हम तुमसे कह रहे थे ना। अब खलीफा के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसने काट डालो, और उस काटने का दुष्परिणाम यह है कि आज तक मुसलमान परेशान है। आज तक किताब बहुत अच्छी है, समझाने वाले गायब है। वही एनसीईआरटी तुम भी तो पहले पढ़ते, तो कहां समझ पा रहे हो? और जो एनसीईआरटी नहीं समझ पा रहा है, कुरान समझेगा, गीता? अगर दुनिया में 100 लोग होंगे ना आज की डेट में, तो सिर्फ 2 लोग समझते होंगे कि धर्म का मतलब क्या है, बस। सिर्फ 2 लोग। इसीलिए जब कोई वास्तविक धर्म की बात करता है तो बाकी लोग उससे बहुत नाराज हो जाते हैं। तुम देखो जितने संत हुए, महापुरुष हुए, इनको बहुत लोगों ने मारा। अरे तुम हजरत मोहम्मद को देखो, ताइफ में कोई आदमी तुम्हारे मोहल्ले में आया है, तुम बस सोच के देखो, कोई आदमी तुम्हारे मोहल्ले में आया है और कह रहा भैया शांति से रहो, भाईचारे से रहो, उसको मारोगे? मत सुनो उसकी बात। लेकिन लोगों ने मारा, इस पे ध्यान दो। जीसस क्राइस्ट ने कहा कि मैं भगवान का बेटा हूं, उनको लोग पागल भी तो मान सकते थे, लेकिन कोई बात रही होगी तब लोगों ने मारा। अगर लोग मार रहे इस, तुम बस इमेजिन करो, तुम्हारे मोहल्ले में कोई आया, उसने कहा भैया मोहल्ले के लोग प्रेम से रहो, आपस में भाईचारा करके रहो, एक दूसरे का ख्याल रखो, अब इस बात पे कौन मारेगा बताओ? तुमने सोचा इस बात को? तब पर भी लोगों ने मारा, भाई कोई तुम्हारे मोहल्ले में आके ये कहे कि दूसरे की संपत्ति लूट लो, दूसरों की बहन बेटी के साथ बदतमीजी करो, तब तुम उसे मार रहे हो, तो बात समझ में आ रहा है। जो तुम्हें अच्छी बात सिखा रहा है उसकी सिर्फ एक वजह है, जब भी तुम्हें कोई परिवर्तन के सूत्र बताएगा, थ्योरेटिकली तुमसे बातें की जा रही, कोई फर्क नहीं है, पंडित मौलाना, पुरोहित, पादरी, ये तुमसे थ्योरेटिकली कोई चीज बता रहे हैं, ये तुम्हें बाहर से धार्मिक बना रहे हैं, बाहर से चंदन लगा लिए, दाढ़ी बढ़ा लिए, ये सब बाहर से। लेकिन कुछ लोग जब आते हैं ना, तो वो तुम्हें अंदर से बदलने की कोशिश करते हैं। भाई बहुत लोगों ने सिद्धार्थ की तरह अपना घर छोड़ा, लेकिन सब बुद्ध थोड़ी बने, क्यों? सब बुद्ध क्यों नहीं बने? अंदर से चेंज नहीं आया। यही बात मैं बार बार तुमसे कहता हूं कि बाहर कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं है। एक बार 2 सन्यासी शाम के वक्त आश्रम वापस लौट रहे थे, तो शहर और आश्रम के बीच में एक नदी थी। कहानी को ध्यान से सुनना, कहानियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब दोनों नदी में पहुंचे तो वहां एक स्त्री बैठी हुई थी, नदी की धारा तेज थी,
तो उस स्त्री ने उन दोनों सन्यासियों से कहा कि हमको भी नदी पार करा दीजिए। तो उसमें एक बुजुर्ग सन्यासी था, एक जवान था। तो बुजुर्ग सन्यासी ने सोचा तो मदद कर दूं, फिर कहा नहीं, मैं स्त्री को छू लूं तो कहीं मेरा ब्रह्मचर्य ना भंग हो जाए। स्त्री खतरनाक तो है ही, तो उसने कहा मैं स्त्री को छू लूं तो मेरा ब्रह्मचर्य ना भंग हो जाए। तो उसने कहा नहीं नहीं यार, 30 साल से साधना कर रहे हैं, ये बवाल नहीं करना है। पानी में एंटर कर गए। जब वो बीच नदी में पहुंचा तो उसने सोचा कि यार मेरे साथ एक लड़का भी है, यंग आदमी। तो पलट के उसने देखा तो जो यंग सन्यासी था उसने स्त्री को अपने कंधे में बिठा रखा था। अब बाबा जी को तो आग लग गई शरीर में। उसने स्त्री को वहीं उतार दिया नदी के किनारे। दोनों फिर आश्रम की तरफ बढ़े। तो जब आश्रम के दरवाजे में पहुंचे तो उस बुजुर्ग सन्यासी ने उस यंग सन्यासी से कहा कि गुरुजी से शिकायत करूंगा, आज तुमको निकलवा दूंगा आश्रम से। उसने कहा क्यों? कहा तुमने एक लड़की को अपने कंधे बिठाया है। अरे उसने कहा गुरुजी मैं तो नदी के किनारे उतारा, आप तो अभी भी बैठाए हो। गुरुजी मैं तो उतार आया, अब तो है ही नहीं मेरे मन में। इसलिए बाहर से कुछ छोड़ना उपलब्धि नहीं है, अंदर से। आज जो हिंदू हैं ये बाहर से हिंदू हैं ज्यादातर, क्योंकि औकात है विष पी लें। ये जो बाहर मुसलमान है आज, ये बाहर से मुसलमान है, इनके अपने घर में लोगों को नहीं पूछते खाना खाएगी नहीं। मोहम्मद साहब कहते हैं तुम्हारे घर के 13 घर इस तरफ, 13 घर इस तरफ, 13 घर इस तरफ, 13 घर इस तरफ, कोई भूखा ना सोए। ये मानते हैं, इनके खुद के घर में लोग भूखा सो रहे हैं। सब फर्जी है, सब फर्जी है। भगवान शंकर कौन? जो दूसरे का जहर पी ले, जो दूसरे का कष्ट हर ले। जहर थोड़ी बाजार में गए जहर ले आए पी लिए। भाई कोई परेशानी है, आपने उसकी परेशानी में अपनी भूमिका निभा दी, आप उसके लिए भगवान ही हो गए। किसी को आपने मुसीबत से निकाला, आप उसके लिए भगवान नहीं हुए? इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं दिमाग पर ध्यान दो। और 5 साल बाद जिस तरह से 1970 में ड्रामा देखने का एक ही रास्ता था, पिक्चर हॉल, 1970 में, और 1970 में पिक्चर हॉल जाने पे लोग शर्माते थे, बड़ा बुरा माना जाता था। कभी कदार कोई मूवी देखने जाता था, और जाता भी था तो गमछा वमछा चद्दर उद्दर लपेट गया था, और घर वाले तो बहुत मारते थे अगर मूवी देखते पकड़ ले तो। 1990 में ये ड्रामा घर घर पहुंच गया टीवी। 1970 से 90 तक संडे को एक फिल्म आती थी बस दूरदर्शन पर, और ऐसी फिल्म आती थी कोई देखता ही नहीं था, घड़े का चोर, पता नहीं किस जमाने में बनी है, क्या कहानी है, कोई देखता ही नहीं था। 2000 में ये ड्रामा हर जेब में पहुंच गया। सत्तर, 90, 2000, हर जेब में पहुंच गया। तुम 24 घंटे टीवी देख सकते हो। तो जब यहां आदमी बेचैन होता था तो ध्यान करेगा, पढ़ेगा, घूमेगा, एक्सरसाइज करेगा, टाइम है उसके पास, और ऑप्शन ही नहीं है। यहां
यहां वो हल्का सा परेशान होगा यूट्यूब खोल लेगा। आज से ठीक 5 साल बाद तुम देखना, गारंटी आधी जनसंख्या इस देश की पागल होगी और उसको साथ रहने के लिए हमें भी बनना पड़ेगा। पागलों के साथ तुम बिना पागल हुए नहीं रह सकते। अगर कोई सामने ऐसे से नाच रहा हो, तुम नहीं नाच रहे हो, तो उनको डिस्टर्बेंस हो जाती है कि ये पागल है, और फिर वो तुम्हें बहुत मारेंगे। इसीलिए सोचने की क्षमता खत्म होती जा रही है, मनन करने की क्षमता, गलत सही देखने की क्षमता खत्म होती जा रही है। मतलब मन की जो शक्ति है ना, वो खत्म होता जा रहा है। तो धर्म जो है वो व्यक्ति को परिवर्तन करने की बात करता है। ये धर्म का फंडामेंटल फॉर्मूला है कि तुम इंद्रियों पे तुमने जीवन शुरू किया है और ये वास्तविक जीवन नहीं है, तो तुम्हें साधना करनी पड़ेगी। हर धर्म यही कहता, हर धर्म खुद को बदलने के लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, तुम्हें इस नीचे के स्तर से उठकर ऊपर आना पड़ेगा। ऐसा कोई धर्म ही नहीं जो ये ना कहता हो। अब ये बात जिसको समझ में आ गई वो महान हो गया, उसे मतलब ही नहीं, उसके मन में किसी के लिए द्वेष ही नहीं, क्योंकि जब सब एक ही बात कह रहे हैं। धर्म में अंतर कहां है? कल्चर को लेकर। धर्म में अंतर कहां है? कल्चर, क्योंकि कल्चर किस पर डिपेंड करता है? और हिंदुस्तान जैसे देश में जहां यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, कश्मीर, तमिलनाडु, अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन है, ज्योग्राफी गुजरात, नॉर्थ ईस्ट, अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन है, तो जिस देश में डाइवर्सिटी है वहां तो धर्म निरपेक्ष होना ही पड़ेगा। और खतरा किससे होता है? समझदारों से। जाहिलों से क्या खतरा? मूर्खों से क्या खतरा? राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा खत्म की, उनकी मां उनके खिलाफ प्रोटेस्ट में आ गई, उनकी अपनी मां, 500 लोग सड़क पे चल रहे, उनकी मां भी चल रही कि मेरा बेटा पागल है। सोचो उस आदमी को ने कितना खतरा मोल लिया होगा। गलत के साथ सारी दुनिया खड़ी है, यही तो गलत की कॉन्फिडेंस है। गलत का कॉन्फिडेंस क्या है? उसके साथ सारी दुनिया खड़ी है। सही का दिक्कत यह है कि उसको लोग मारना चाहते हैं। भगवान कृष्ण भाग गए गुजरात, बोला वे कितना लड़े यार, बचपन से लड़ी रहे, कितना चले गए। इसीलिए योगी जी बहुत सूटेबल आदमी है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि वही 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 व्यक्तित्व तो चला सकता है कि तुम एक चाटा मारो 500-600 चाटा मार दिए, तब तुमको लगा हाँ हाँ बढ़िया राजा है भैया ये।